अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालया से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नजारे हमने जगह जगह देखे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत, कि हमारी और चाइना की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। छोटा कहीं का अब बोलो कि हमारा और चाइना का कर्जा हिमालय से भी ऊंचा है, समुद्र से भी गहरा है, दूसरे के बल पे टूटे। पाक चीन दोस्ती के चक्कर में जो सीपेक का मंसूबा है, सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। तो सलाह हो नहीं। नवाज शरीफ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चीन की। लेकिन इस दोस्ती की दीवार पे एक बहुत मोटी दरार पड़ गई कि इस साल हमें, ये जो करंट फिस्कल ईयर है, हमें 2800 अरब रुपए हमें देने सिर्फ IPPs को। कि मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है। तो फिजा बीबी डूब के मरो ना, और रावी में पानी नहीं आता आजकल, कहाँ से मरेगी बेचारी। ऐसे लोगों के लिए ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उनके अल्फाज जो हैं वो दुश्मन ममालिक के हेडलाइंस बनती हैं उनकी अखबारों की, उनकी टीवी चैनल्स की। सीपेक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। कुछ नहीं होने वाला। नौजुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब, उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। अरबों डॉलर डाले थे वो चाइनीज कंपनीज, अब हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से जाने दो। मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो। चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, जरात, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा। सड़क बनाई नहीं, नहीं आप बताओ ना, आप बोले थे सीपेक सड़क का नाम है, सीपेक यूं जाएगा, ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहाँ है यार? आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो आप लोग। लग गए ये भाईजान, आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ IPP खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। क्योंकि इन्होंने ये समझाया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर होगा। 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल लग गया भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर करके। और गेम चेंजर तो हुआ नहीं, बल्कि पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी हमारी फिजा खलीफा को पूरा भरोसा है चिंग चोंग चिंग पे, यानी कि सीपेक पे। और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सीपेक जैसा अजीम शान मंसूबा, इस लाजवाब दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपका एनर्जी का शोभा IPPs उठा रहे हैं, जो नुकसान है वो आवाम का हो रहा है। मसला यहाँ ये है कि ऐसा बुरा हम फंस गए हैं कि इस वक्त हमने IMF के 7.5 बिलियन डॉलर देने पुराने, ठीक है। सन 2014 के अंदर पाकिस्तान की बर्बादी की नींव डाली गई थी, उसी वक्त पाकिस्तान ने सीपेक के मसूदे पे अपना सिग्नेचर किया था और चाइना से जमाने भर का लोन लिया था, और उसी लोन के तले आज पाकिस्तान पूरी तरीके से दब चुका है, तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और चाइना ने इतना माइंड गेम खेला ये पाकिस्तानी समझ नहीं पाए, क्योंकि समझने के लिए चाहिए दिमाग और वो इनके पास होता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत होता भी है तो वो बेहतर हुरे जज्बे, ईमान, आसमानी कौम, आसमानी ज्ञान, उसी में लग जाता है। चाइना ने बड़ी चालाकी के साथ में पाकिस्तान को लोन दिया, जो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर बनाना था, जो भी रोडें बननी थी, जो भी डैम बनने थे, जो भी विकास कार्य होने थे, वो सारे के सारे काम करवाए अपनी चाइना कंपनी से, यानी कि पैसा दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने वो पैसा दिया चाइना कंपनी को, और चाइना कंपनी वो सारा पैसा वापस चाइना ले गई, और पाकिस्तानी समझ नहीं पाए, यानी कि चाइना ने अपनी इस जेब से पैसा निकाला और इस जेब में डाल दिया, और बीच में पाकिस्तान हो गया कर्जदार। और अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर ये बताया गया था कि पाकिस्तान के ऊपर चाइना का 65 बिलियन डॉलर का कर्ज, इन्होंने दुनिया भर के लोगों से कर्जा ले रखा है, लेकिन चाइना के कर्जे के आगे सब फेल है। सीपेक एक बार फिर से निशाने पर है। तौबा तौबा तौबा। अफगानिस्तान का मामला तो आपको पता चल ही रहा था, लेकिन अचानक अब सीपेक के खिलाफ भी दुश्मन कुवतें मुतहरिक नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के ही पाले हुए आतंकी, जो कि सीपेक के मंसूबों को पूरा ही नहीं होने देते, बलूचिस्तान से सीपेक गुजर रहा है, वहाँ BLA वाले इन चाइनीज इंजीनियरों को, चाइनीज ठेकेदारों को, चाइनीज कंपनी वालों को टिकने नहीं देते, वो इनको उड़ाते रहते हैं, इनके कार्यक्रम को उड़ाते रहते हैं। इधर से वो खैबर पख्तूनख्वा से इनका सीपेक निकल रहा है, वहाँ TTP वाले इन चाइनीजों को देखते फोड़ देते हैं। आप यकीन मानेंगे, पाकिस्तान में जितने भी चाइनीज इंजीनियर काम करने के लिए आते हैं, जो भी, उन सबको आर्मी की सिक्योरिटी में रखना पड़ता है, वो खुल के कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, तो पाकिस्तान का बेड़ा
पैदा करने में अगर पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा हाथ है तो उससे भी बड़ा हाथ है चाइना वालों का। चाइना वालों ने जो आशीर्वाद दिया आज पाकिस्तान भुगत रहा है और पाकिस्तान के लोगों को अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि सीपैक गेम चेंजर नहीं है, ये पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे ले जाने वाला गेम है। इसी पे पाकिस्तान के तर्जियाकारों ने अपने कुछ विचार रखे हैं जिसे सुनने के बाद आपको आएगा आनंद। बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई पाकिस्तान ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस नहीं लगाया था, वो यहाँ आईपीपी खोलने आए थे और उन्होंने खोल दिए। एक आईपीपी नहीं अरबहा डॉलर के आईपीपी खोले उन्होंने। अच्छा सड़क बनाई, कोई सड़क बनाई नहीं। आप बताओ ना, आप बोले थे सीपैक सड़क का नाम है, सीपैक यूं जाएगा, ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल कॉरिडोर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ? यार आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो आप लोग। या आप अगर अपना बजट देखिए, बजट के अंदर मोटी मोटी डिविजन्स है ना, आपकी वो है डेवलपमेंट का हो गया, आपका सूबों का चला गया, डिफेंस चला गया और जो कर्जे देने। अब जो सबसे बड़ा चंक है जिसमें कर्जे देने हैं उसी के अंदर से आप ये भी निकाल लें, आपका जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो आपको आईपीपीस को देने हैं, तो इतना बड़ा चंक उसमें जा रहा है आपके एनर्जी के। कि इस साल हम ये जो करंट फिस्कल ईयर है हमें 2800 अरब रुपए हमें देने हैं सिर्फ आईपीपीस को, और ये किसी खाते में नहीं है। कि 2800 अरब रुपए आईपीपीस को देने के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं? सीपैक आएगा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा, नौजुबिल्ला तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब, उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो, तकदीरें बदलने वाले प्रोजेक्ट लगा रहे हो, गेम चेंजर। पता नहीं अंग्रेजी समझ आती है, वैसे तो अंग्रेजी आती नहीं, व्हाट्सएप में अंग्रेजी चलती है, अंग्रेजी के दो लफ्ज बोलने को कह दो नहीं निकलेगे, बस दो तीन लफ्ज सीख लेते, गेम चेंजर है, गेम चेंजर। क्योंकि इन्होंने ये समझाया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर होगा। 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल लग गया भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर गेम चेंजर गेम चेंजर करके। सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का, सारे आईपीपीस का बोझ आ गया। हर बिजनेसमैन खड़े होकर बोल रहा है आईपीपी ने खत्म कर दिया, आए आए आईपीपी ने खत्म कर दिया, आए आए। तो ये अभी लगे आईपीपी क्या? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे तब आप लगा के? सीपैक का एक जो वाकया है वो बड़ा ही खतरनाक है, पूरी दुनिया जो है वो मगरिब को बड़ी तकलीफ है, और रह रहे हैं मगरिब जो है वो भारत को इस्तेमाल करता है और बकायदा सीपैक के ऊपर जो है वो निशाना बनाता है, पाकिस्तान तालुकात को जो है वो खटाई में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत के साथ साथ एक मुआशी ताकत बन जाएगी। अगर सीपैक हो गया तो वस्ती एशिया की तजारती मंडियां जो है हमारे लिए खुल जाएंगी और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आ जाएगा। यही बुनियादी वजूहत है कि पूरी दुनिया जो है वो इसको सीपैक को निशाना बनाती है और उनको जो है तकलीफ है। के भाईजान आप जो हो ना समझते नहीं हो बात को, आप लोग निकल जाते हो रात को। सीपैक का मंसूबा जो था बकौल आपके 64 अरब डॉलर में से 34 अरब डॉलर जो मैंने पढ़े वो आईपीपीज में लगे हैं। कि हुकूमती वुजरा अभी 2-4 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि जी मुल्क में कीनिया जैसी सिचुएशन जो भी करेगा उसकी हम इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि वो मुल्क से उन्होंने गद्दारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया लेकिन कहने का मतलब वही था। अब ये देखिए ये कितनी ख़तरनाक बात है अपने ही लोगों के लिए कि आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है कि 40% आपके लोग सतह गुरबत से नीचे चले गए। ठीक है तो ये अभी लगे आईपीपी क्या? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे तब आप लगा के? सत्तू का शरबत, सत्तू का शरबत। तो ये लोग अगर कल और अभी एहतजाज शुरू हो रहा है और आगे होगा तो जब ये लोग सड़कों पे निकलेंगे तो हुकूमत ये इशारा कर रही है कि जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने सड़क पर निकलेगा वो एक तरह से उसको वो 9 मई के दायरे में ला रहे हैं। यानी कि वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कीनिया में जो हुआ उसका वो मवाजना 9 मई से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। कीनिया में जो हुआ वो IMF प्रोग्राम के नतीजे में जो उनका बजट बना उसकी वजह से हुआ, वो एक सिविल अनरेस्ट था मईशत की वजह से। तो ये है सूरत हाल। मैं तो यही बोलूंगा इन पाकिस्तानियों ने इतना कर्जा इतना लोन तो इन चाइना वालों से ले लिया है, ये लोन को चुकाने के लिए पाकिस्तान की 4 पीढ़ियों को जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाके इतना लोन ये उतार सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों की माने तो इतने पैसे नहीं होते, क्योंकि इतना पैसा इन्होंने पब्लिक के लिए खर्च नहीं किया। चाइना से जो पैसा आया इसमें आधे ज्यादा पैसा तो पाकिस्तान के जनरलों ने बांट लिया, पाकिस्तान की आर्मी ने बांट लिया, जो थोड़ा बहुत रह गया वो सीपैक पे लग गया, आवाम के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान कर्जदार हो गया। और कर्जा कौन चुकाएगी? पाकिस्तान की आवाम। मरण पाकिस्तानियों का हो गया और उनको ये चूर्ण चटा दिया
किया जाता है कि तुम हो जज्बे वाली कौम, तुम हो आसमानी कौम, और ये मदर से चाप आसमानी कौम इसी में खुश रहती है। तो जिन्ना ने जो जिस इस्लामी मुल्क का सपना देखा था वो जिन्ना का सपना तो ढह गया। इन पाकिस्तानियों ने उस सपने को तहस नहस, तबाह, बर्बाद सब कर दिया। खैर, पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी इन पाकिस्तानियों का सीपैक बनाते जाइए। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।